अजबगढ़ के खेड़ा मोड़ पर देर रात 3:15 बजे यह हादसा हुआ है। यह हादसा तीसरी बार हुआ है। इतने बड़े हादसे होने के बाद भी ड्राइवर और हेल्पर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दुकानदारों ने 2 दिन पहले भी DMRC को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जिस कारण यह हादसा हो गया। मैं राघव मंगेश आपका स्वागत करता हूं जन्नूदे में। आज हम मौजूद हैं नजफगढ़ के खैरा मोड़ में, जहां पे देर रात 3:15 बजे दुर्घटना हुई है। सड़क आप देख सकते हैं किस तरह ढस गई और कुछ वाहन भी अंदर गिर गए। आइए इसके बारे में हम जानते हैं सर से। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र लांबा। ये कब हादसा हुआ? ये रात को हादसा हुआ है करीब 3:30 बजे, और उसका जो है ना, ये मेट्रो का काम चल रहा था, नाला कच्चा था, यहाँ पर नाला पानी का प्रेशर होने से नाला फट गया है और ये दुर्घटना घट गई है, जिससे हमारे अड़ोस पड़ोस की सब बिल्डिंगों को खतरा हो गया है। और सामने मकान वो दिख ही रहा है, वो तो बिल्कुल डैमेज हो गया है। यहाँ पे पहले भी कोई ऐसी दुर्घटना हो रखी है? पहले 3 बार दुर्घटना हो रखी है। तो पुलिस प्रशासन क्या करती है? पुलिस प्रशासन का बस इतना रोल है, बुलाते हैं तो आ जाते हैं, बाकी पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं। मेट्रो जैसे बन रही है यहाँ पे, मेट्रो का काम चल रहा है, तो उस कारण यहाँ पे उसी कारण से सब होते हैं, क्योंकि नाले प्रॉपर बने नहीं, और नाले नहीं बने हैं तो बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, और जिसको ये पूरी पब्लिक सफर करती है, पूरी मार्केट यहाँ की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पूरी लापरवाही है, लापरवाही है। इसकी कंप्लेंट की है कहीं पे? कंप्लेंट पहले बहुत हो चुकी है, बस ये कह देते हैं हमारे डिजाइनर आएंगे, हमारा ये आएगा, हमारा आएगा, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं होता है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।